हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज निर्मल बाइक रिपेयर। दोस्तों, जैसे कि मेरे पास जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ज़रूर देखें एंड तक पूरा। और दोस्तों, इसमें खास बात है कि जो मैं खोल रहा हूँ वो देखो किस तरीके से खोलना है और क्या कारण हो सकता है। और दोस्तों, मेरे पास एक एक्सल सुपर हैवी ड्यूटी डिक्की आई हुई है, जिसमें आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। और प्रॉब्लम ऐसी है कि वो 5-6 मिस्त्रियों से होकर ये गाड़ी वो स्टार्ट नहीं हो रही। दोस्तों, कारण क्या है क्या नहीं है, अब इसको मैं आपको सामने दिखाता हूँ। करंट भी आ रहा है, पेट्रोल भी है, कार्बोरेटर भी साफ कर दिया है। और जो मेन चीज़ था दोस्तों, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, ये क्या कारण था जिसके कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। दोस्तों, ये ज़रूर एक ट्रिप है, ज़रूर देखना आप, और बहुत समझ आएगा और दूसरों भाइयों के लिए भी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको अगर गाड़ी दिखा देता हूँ, स्टार्ट नहीं है। दोस्तों, ये है जैसे मेरे पास हैवी ड्यूटी कार्बोरेटर वगैरह साफ साफ कर लिया है, मगर स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट भी नहीं है, करंट भी चेक कर लिया है मैंने, करंट भी आ रहा है इसके अंदर। और दोस्तों, अब मैं इसका जो मेन पार्ट है वो आपको मैं खोल के दिखाऊंगा। दोस्तों, ये हमारा कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर को मैंने दोबारा साफ करूंगा इसका। और मेन चीज़ है इसका नीड वाल्व। दोस्तों, जैसा कि ये नीड वाल्व दोस्तों, इसका बहुत जरूरी साफ करना होता है, पैकिंग वगैरह चेंज करनी होती है, क्योंकि इसमें कचरा चला जाता है, जिसके कारण इसको पेट्रोल पूरी तरीके से मिलता नहीं है और तभी ये गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम शुरू कर देती है। और दोस्तों, आज मौसम देख सकते हैं, बारिश का मौसम है। कैसा नज़ारा आ रहा है बारिश का। और दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूं और आप देखिए इसमें ज़रूर, फिर आपको मैं स्टार्टिंग के बारे में बताऊंगा कैसे स्टार्टिंग कैसी रही है। ठीक है दोस्तों, आप ज़रूर देखना। और दोस्तों, नमस्कार, मैं निर्मल बाइक रिपेयर। दोस्तों, जैसे कि मेरे पास TVS की 70cc की हैवी ड्यूटी सुपर आई हुई है, जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। दोस्तों, मैंने इसका ये नीड वाल होता है, मैंने यहाँ से खोला है इसका, इसमें थोड़ा डस्ट वगैरह भरा हुआ है। दोस्तों, गाड़ी अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही हो तो दोस्तों ये सही फॉल्ट निकलता है, जहाँ आपका ये इसके अंदर ये ओलझन लगी पड़ी है, अगर ये कटी हुई है तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी, बंद हो जाएगी। और दोस्तों, इस गाड़ी में बड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, अब इसको मैं देखता हूँ सफाई करके, इसकी पैकिंग नहीं डाल के, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ क्या पोजीशन है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अब ये फिट करने जा रहा हूँ यहाँ से। दोस्तों, ये 4 mm की एल की होती है, जिससे ये यहाँ से खोला जाता है, ये जार के। दोस्तों, मैंने यहाँ से भी कुछ सेट कर दिया है। अब देखते हैं इसकी स्टार्टिंग में कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं, क्या है आई डोंट नोट, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अब देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है, दोस्तों जैसा कि मैंने
दिखाया, जैसे कि जो नीड वाले दोस्तों उसमें कचरा घुसने के कारण गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है। अब देखते हैं बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट है। दोस्तों यही काम होता है गाड़ी के अंदर, जैसे कि आपने जो मैंने आपको ट्रिप दिखाई है, मैंने बहुत कुछ चेक करा, करंट चेक करा, तब भी नहीं स्टार्ट हुई। कार्बोरेटर साफ करते तब भी नहीं स्टार्ट हुई। दोस्तों लास्ट में मुझे ये साफ करना पड़ा, मुझे ये नीड वाला होता है यहाँ पे, ये कुछ तो गाड़ी में नीड वाला ऐसा होता है कि जो कचरा वचरा चला जाता है दोस्तों, उसके कारण गाड़ी बंद होती है। तो दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें मिस्त्रियों के लिए खासकर, भाई यही इस गाड़ी के अंदर फॉल्ट आता है, और इसको ध्यान से देखें। ये गाड़ी ऐसी है कि हो जाए सेट हो जाए, नहीं हो तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। दोस्तों ये छोटे छोटे ट्रिप होते हैं देखने वाले, तो मैंने इसको क्लीन कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया पैकिंग लगा के, तो दोस्तों आपके सामने ही है। मेरे यहाँ से बिल्कुल रेडी है, मैंने अपने तसल्ली से काम कर दिया है। जय हिंद।